हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट आर एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। एक इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होगी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, दो लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन की फॉर्म में निकलता है जिसकी एक वेवलेंथ होगी, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स इज एमिटेड एज रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। वो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है पर्टिकुलर लाइन के लिए, न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्केयर माइनस 1 बाय n2 स्केयर। इस न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के अंदर जितनी कंप्लीट वेव होगी उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। ये वेव लेंथ की टर्म्स में, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, सेकंड लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है, तो उसके लिए हम n1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, n2 की वैल्यू 2 लेते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे जो r है, r इज रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 × 10⁻¹⁷ पर मीटर होती है। तो अब अलग अलग सीरीज को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर आती है वो है लाइमन सीरीज। फर्स्ट इज लाइमन सीरीज। जो लाइमन सीरीज है वो कब ऑब्टेंड होगी? जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करता है। लाइमन सीरीज इज ऑब्टेंड when electron jumps to first orbit के लिए n1 की वैल्यू होगी 1 from outer orbit के लिए जो n2 की वैल्यू है वो 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे हम ले सकते हैं जिस ऑर्बिट की हम बात करेंगे। तो उसके लिए जो न्यू बार है वो फॉर्मूला हमारा बनेगा, न्यू बार इक्वल टू आर 1 बाय 1 स्केयर माइनस 1 बाय, अब यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट से अगर जंप करता है तो एक n2 की वैल्यू हम 2, 3, 4 ले लेते हैं, या हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे हम k पुट कर देते हैं, के स्केयर, और यहाँ पे k की वैल्यू मेंशन कर देंगे कि 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन हो जाएगी। ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आती है। वैल्यू ऑफ न्यू बार लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। एक्चुअली स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होती है? अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है। तो इसके अंदर जो लाइमन सीरीज है वो इस स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आती है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है बामर सीरीज। बामर सीरीज कब ऑब्टेन होती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड ऑर्बिट के अंदर किसी भी आउटर ऑर्बिट से। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सेकंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो n1 की वैल्यू है वो 2 होगी फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में n2 की वैल्यू मेंशन कर देंगे 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास r 1 बाय n1 की वैल्यू 2, तो 2 स्केयर, और यहाँ पे k, और k की वैल्यू हो जाएगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
तो इसमें जो बामर सीरीज के अंदर जो सेट है स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है, यानी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज के अंदर आती है। विजिबल लाइट जो हमें ये नॉर्मली लाइट जो दिखाई देती है, इसी को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। दिस सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन विजिबल रीजन। इसके बाद जो थर्ड है वो हमारी पाश्चन सीरीज होती है। पाश्चन सीरीज कब ऑब्टेंड होगी? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो है जंप करता है। दिस सीरीज इज ऑब्टेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन वन इक्वल टू थ्री टू एनी आउटर ऑर्बिट। एन टू की वैल्यू हो जाएगी फोर फाइव एंड सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए जो वेव नंबर है न्यू बार वो हो जाएगा आर इंटू वन बाय थ्री स्केयर माइनस वन बाय ए स्केयर, वेयर के इक्वल टू फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। तो इसमें जो सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाई इन इंफ्रारेड रीजन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है, ये थर्ड थी हमारी। जो फोर्थ है वो ब्रैकेट सीरीज है। तो क्लियर है, हमने तीन सीरीज पढ़ ली है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। दिस सीरीज इज ऑब्टेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन वन की वैल्यू हो जाएगी फोर फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। तो आउटर ऑर्बिट के लिए एन टू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बोलो, फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन। और न्यू बार हमारा हो जाएगा आर वन बाय फोर स्केयर माइनस वन बाय के स्केयर, वेयर के इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन। जो ब्रैकेट सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती है। इंफ्रारेड रीजन। जो लास्ट हमारे पास फिफ्थ है पी फंड, वो भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती है। नंबर पांच आ जाती है पी फंड सीरीज। तो ये अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एन वन की वैल्यू फाइव फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट के लिए एन टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन। फिर से न्यू बार इज इक्वल टू आर वन बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव स्केयर माइनस वन बाय के स्केयर, एंड वेयर के इज इक्वल टू सिक्स सेवन एंड एट एंड सो ऑन, एंड दिस ऑल्सो लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। तो ये कुछ सीरीज थी। जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इन सीरीज के लिए वो इस तरह से बनाना है। सबसे पहले देखो ये एटम है, ये मान लो एटम का ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसके अराउंड जो है फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, इसको हम न्यूक्लियस ले लेते हैं।
ठीक है, ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है एन इक्वल टू वन, सेकेंड के लिए एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने कौन सी सीरीज लिखी थी, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है किसी भी हाई स्टेशनरी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो यहां से हमने ये देखो ये कौन सा लेवल है एन इक्वल टू थ्री के लिए, तो थ्री से जो है फर्स्ट लेवल पे जंप कर रहा है, सेकंड से फर्स्ट लेवल पे जंप कर रहा है, तो ये लाइमन सीरीज है। लाइमन के बाद आती है बामर। बामर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी लेवल से सेकंड लेवल के अंदर जो है जंप करता है, तो यहाँ से देखो ये एन इक्वल टू टू था सेकेंड ऑर्बिट, तो इसके अंदर जंप करेगा, ठीक है। उसके बाद है पाश्चन, इसमें थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड के अंदर जंप करता है, तो यहाँ से देखो ये थर्ड के अंदर जंप कर रहा है, ठीक है। फोर्थ से थर्ड से, फिफ्थ से लेके थर्ड पे, और सिक्स से लेके थर्ड पे। सिमिलरली ब्रैकेट और पी फंड हो जाएगी, तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है शो कर सकते हैं। सो लर्न दिस डायग्राम एंड फिर नोटबुक में इसको नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।